रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, REC इंटर क्लिक किया। अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, पहले आपने इसको सेट कर रखा है कैसे से, तब ये प्रॉपर हुआ, गुड। REC इंटर क्लिक किया, तब अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है एरिया डायमेंशन रोटेशन का। जब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप डिफाइन करते हैं तो तीन ऑप्शन आते हैं आपके पास, एरिया डायमेंशन एंड रोटेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये रेक्टेंगल है वो रोटेटेड हो 30 डिग्री पे जितने डिग्री पे, तो पहले हमें रोटेशन का ऑप्शन लेना है, R इंटर करना है। मान लीजिए 30 डिग्री पे चाहिए, 30 इंटर किया। अब एरिया और डायमेंशन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले लीजिए। एरिया अगर डायमेंशन पता है तो D इंटर किया आपने। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए जो भी है 30 इंटर 20 इंटर ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अभी फाइनल नहीं हुआ है, पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में चाहिए, तो आप उसको डिफाइन कर दीजिए, माउस पे क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक करिए, वो आ जाएगा। डायमेंशन चेक कर लीजिए यहाँ से अलाइन, ठीक है। अब 30 इंच था, 30 इंच का मतलब 2 फीट 6 इंच। इसको भी आपने जैसे कि पकड़ के किस खाना हो कैसे करते हो, इसको जैसे करना हो ना हाथ से पूरे किस खाना हो, इंटर करिए, इसको सिलेक्ट करिए, इंटर जहाँ चाहिए वहाँ से पिक करके जहाँ रखना है ऑफ रखिए। और ये आ गया 1 फीट 8 इंच, है ना। तो क्योंकि हमने ये कितना लिया था, 20 लिया था, नहीं वो पॉलीगन वाले को बनाकर आपने किस कार है देना, तो कर दीजिए इधर उधर करना है तो, ठीक है। अभी टेक्स्ट काफी छोटा दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा करने के लिए री एंटर करिए, मॉडिफाइड फिट पे जाइए, यहाँ पर यूज ओवरऑल स्केल ऑफ, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, यहाँ पर सब ठीक है, ओके करिए, सेट करेंट करिए, क्लोज करिए, बड़ा ओके, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर कुछ ऑप्शन और हैं, अभी आप रेक्टेंगल लेंगे तो ऐसे ही रोटेशन देगा, तो दोबारे R इंटर करिए, 0 इंटर करिए, फ्लैट आ जाएगा, ठीक है। इंटर चैम्फर, यहाँ पर चैम्फर लिखा हुआ है ना, चैम्फर के लिए C इंटर करिए। आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, यानी X पे कितने का कट लगेगा, तो X पे आप दे दीजिए, मान लीजिए 5 देना है, 5 इंटर। Y पे कट बोल रहा है कितना होगा, वो भी मैंने दे दिया 5 इंटर। अब आप क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर डायमेंशन के लिए D इंटर किया, आपने जो भी वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग बन गया। चेक करिए लीनियर 4 फीट 2 इंच, है ना। अगर आप इसका यहां से यहां तक का चैम्फर डिस्टेंस कितना है, तो ये देखिए 5, ये भी 5, ठीक है। तो ये चैम्फर है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है एलिवेशन का, एलिवेशन इसमें काम देगा, 3D में आएगा काम। फिलिप के लिए एयर का एलिवेशन से क्या क्या करते हैं, हाइट देते हैं, हाइट पर्टिकुलर एक प्लेन से कितना ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ये भी कर सकते हैं, इसका है इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिलिप के लिए एयर फिल्टर करिए, क्लिप के लिए एफ इंटर, क्लिप मतलब रेडियस, कॉर्नर की जो रेडियस देगा, मान लीजिए 5 के चाहिए, 5 इंटर क्लिक करिए, रेडियस आना शुरू हो गया। फिर वही एरिया डायमेंशन रोटेशन में चाहे किसी का ऑप्शन लीजिए, मतलब डायमेंशन का ऑप्शन लीजिए और डिफाइन कर दीजिए कितना इसका लेंथ वेट चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है थिकनेस एंड वेट, थिकनेस मतलब थिकनेस ऑफ लाइन, टी इंटर के हमें अगर 1 चाहिए तो 1 इंटर, और विड्थ मतलब लाइन का नहीं विड्थ, रेक्टेंगल का नहीं लाइन की विड्थ, तो विड्थ के लिए हमने W इंटर किया और विड्थ दे दिया हमने, वो भी 1 दे दिया इंटर, विड्थ तो दिखाई दे रहा है लेकिन थिकनेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो थिकनेस के लिए आपको
आइसोमेट्रिक पर जाना पड़ेगा, तभी जाकर के थिकनेस दिखाई देगा। आप देखिए थिकनेस में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये थिकनेस दिखाई दे रहा है और ऊपर वाला विड्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर का ऑप्शन, अभी सबको वापस करने जीरो जीरो करना पड़ेगा आपको। आर यू सी इंटर, फिलिप के लिए एफ इंटर, जीरो इंटर, थिकनेस के लिए डी इंटर, जीरो इंटर, विड्थ के लिए डब्ल्यू इंटर, जीरो इंटर। अब नॉर्मल रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। आप इसको एक बार रिपीट करें,